हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल एडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट प्लेस की जानकारी बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया को सपनों का देश माना जाता है क्योंकि यहां पर चमकीली रेत, नीला समुद्र, शानदार मौसम, उछलते कंगारू और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका के समान है, परंतु आबादी के हिसाब से न्यूयॉर्क के बराबर होगा। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही खूबसूरत देश है, यहाँ पर अनेक पर्यटन स्थल हैं। दोस्तों, हम आपको पहले सिडनी के बारे में बताएंगे। सिडनी ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी प्रसिद्ध शहर है। सिडनी घूमने के लिए हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक जाते हैं, जिसमें काफ़ी मात्रा में भारतीय भी शामिल होते हैं। सिडनी में कई ऐतिहासिक इमारतें, खूबसूरत बगीचे, आकर्षित चर्चों के अलावा काफ़ी दर्शनीय स्थल भी हैं। यहां पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। सिडनी में काफ़ी आकर्षक जगह भी है। सिडनी का ओपेरा हाउस बहुत ही आकर्षक और शानदार पर्यटन स्थल है। यहाँ के मनमोहक दृश्यों को देखने से अलौकिक आनंद मिलता है। यह चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बॉन्डी बीच सिडनी का काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ पर हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। यहाँ की सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर समुद्र के किनारे 6 किलोमीटर पैदल चल के यात्रा कर सकते हैं। हार्बर ब्रिज ऑस्ट्रेलिया का सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है, जो 1932 में बनाया गया था। यह दुनिया का सबसे लंबा स्टील आर्च ब्रिज है। यह पूरे ऑस्ट्रेलिया के आकर्षित जगहों में से दूसरे नंबर पर आता है। इस ब्रिज की लंबाई 1149 मीटर तक है। बॉटनिक गार्डन सिडनी की प्रसिद्ध जगह है। इस गार्डन का निर्माण सन 1816 में हुआ था। पिकनिक के लिए यह स्थान सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पर कई प्रकार के फूल पाए जाते हैं, जो मन को मोह लेते हैं। पर्थ ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है। यहाँ पर आप प्राकृतिक दृश्य, वाइल्ड लाइफ, आदिवासी संस्कृति, जलीय रोमांच और आकर्षण का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर द पर्थ मिंट, स्टीलिंग गार्डन्स, लेक मॉन्गर और हिज मैजेस्टी थिएटर काफ़ी मशहूर हैं। काकाडू नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है, जो समुद्र तट से 200 किलोमीटर दक्षिण और 100 किलोमीटर पूर्व तक फैला हुआ है। यहाँ पर वन्य जीवन और स्थानीय वनस्पति की समृद्ध विरासत है। यहाँ करीब 500 आदिवासी भी रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ऑस्ट्रेलिया की कौन सी जगह पसंद आई, आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।